फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो बिंदास रेखा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का शुरुआत हो गया है, चाय पी लिए हैं, बिस्किट भी खा लिए हैं, थोड़ा सा मेरे पेट में हल्का फुल्का गैस भी बना हुआ है, तो हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा एक तरह इस तरफ से मेरा पेट है थोड़ा थोड़ा टाइट टाइट लग रहा है, दर्द भी कर रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज मेरा बेटा का बर्थडे है। आज के दिन उसका जन्म हुआ था। आज ऐसे वो बोले थे कि यहाँ आओ बेटा सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आजकल के तो बच्चे को अपने दोस्त लोग के पास सेलिब्रेट करता, हॉस्टल में है तो वो तो नोएडा में है तो अपना वहीं पे सेलिब्रेट कर रहा है। अभी हम लोग कुछ भी किए नहीं हैं तो देखते हैं अभी हम क्या क्या करेंगे। इस बेड का चादर वगैरह हम चेंज वगैरह कर दिए हैं, ऐसे काम थोड़ा मोड़ा, और ये कपड़ा बाल्टी में निकाल के हम रखे हुए हैं ताकि छत पे जाएंगे तो पसार उसर के आएंगे। और ये देखिए घर भी अस्त व्यस्त अभी पड़ा हुआ है, इस सबको अभी हम सही करने में लगे हुए हैं, तो 2-3 मिनट बाद हम इसे सबको सही कर देंगे। और आज मेरा लेट हो गया है ना थोड़ा सा, किचन का भी काम देखिए इसी तरह मेरा गैस उस घर द्वार 10 बज रहा है लेकिन एकदम से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। कहूँगा कि आज हम चश्मा क्यों लगाए हैं, तो चश्मा मेरा कोई ऐसा बात नहीं है, नया बात नहीं है, हम लगाते नहीं हैं आप लोग के सामने। मेरा 2 साल पहले से ही मेरा चश्मा लगा हुआ है, मेरे को पास का है ना थोड़ा डबल डबल दिखने लगा था तो हम लगवाए थे चश्मा, लेकिन अभी मेरा ये दिक्कत हो गया है कि पहले मुनक्का वगैरह भी खाते थे ये बोले थे तो हम मुनक्का खाते थे तो हमको लगता था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अब क्या हुआ ना धीरे धीरे मेरा दूर वाला भी अब जब देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है, तो जिस वजह से अब हमको डांट पड़ा है कि चश्मा लगा के रहने के लिए। लेकिन हमको पता है चश्मा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा भी पसंद नहीं है, हमको लाज लगता है सबके सामने जाने में कि क्या सोचेगा सबकी, इसका चश्मा लगा हुआ है ये वो। बहुत आदमी नहीं होता, आज भी हम लोग उस बहुत आदमी है जो मजाक उड़ाते हैं चश्मा लगाने वाले सबका कि क्या क्या बोलते हैं डबल बैटरी हो गया है ये है वो है, नहीं तो कहेगा सबके खुदरिया पाप है इसलिए कि देखो ना अगर कोई चीज़ होगा तो अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो किसी के साथ अगर कुछ आपके साथ बता हाँ ठीक है तो है वैसे ना ओकर लक्षण है आँख तक खराब तो हो गई है पर ठीक है ना कर सके पाप लगल ही ऐसे ऐसे सब बोलने लगता है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी हम ये सारा काम को अरेंज करते हुए आपको हम दिखाएंगे, छत वगैरह पर भी जाएंगे थोड़ा ये सब काम करते हुए। जल्दी से हम बर्तन धो लेते हैं और इधर हम देखिए घी करकराने के लिए रखे हुए थे जो उस दिन हम मक्खन महे थे ना छाली से जो मक्खन निकाले थे तो आज हम इसे करकरा रहे हैं, तो इसे अभी 10-15 मिनट लगेगा तब तक हम बर्तन धोएंगे। तो ये देखिए हमारे छत पे पानी किस तरह से भर गया हुआ है, पता नहीं कोई शायद पाइप में कुछ डाल दिया होगा, ये देखिए कुछ दिख रहा होगा ना कितना दुश्मनी है इसी से पता चल गया। अब हम लोग के साथ यहाँ कोई जेंट्स नहीं रहता है तो शैतानी सब करता है, बदमाशी करता है तंग करने के लिए। देखिए टंकी के नीचे ऊँचे सब में शायद इसी में कोई पानी में पाइप में ठूस दिया होगा जो हम लोग का ओवरफ्लो वाला होता है ना। पूरा भरा हुआ था, देखिए हम लोग का पूरा छत गीला गीला हो गया हुआ, इसी वजह से कल हम लोग है ना एसी के पास में से पानी चू रहा था तो हम लोग सोच रहे हैं कि पानी कहाँ से सीपेज हो रहा है हम लोग के घर में। अब इससे क्या पता आपको चलेगा कि किसी को परेशान करने के लिए जिंदगी में आप कोई अकेले रह सकता है आज के ज़माना में, अभी लोग भी लोग महिला लोग को कितना परेशान करता है आप देख सकते हैं, खुद का घर में भी रहना मुश्किल है। पूरा छत इस वजह से हम लोग का छत पे पानी थोड़ा भी जमता है ना तो सीपेज होने लगता है। और ये हम लोग का कपड़ा है, मेरी बेटी छत पे कपड़ा डालने के लिए आई जब देखी तब पता चला, नहीं अगर आती कपड़ा डालने के लिए कल नहीं ना आए थे हम लोग, हाँ तो इस वजह से देखिए इसी वजह से कल हम लोग का यहाँ के एसी के पानी के पास इतना सीपेज हो रहा था कि मत पूछिए। और ये देखिए हम लोग का कितना बड़ा बड़ा आम भी हो रहा है धीरे धीरे, इतना अच्छा आम ये सब बच जाएगा तो का बात है, क्योंकि अभी तो भगवान जी अपना पत्थर बरसाना बाकी रखे ना, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आम आएगा पेड़ में तो हम लोग एकदम पास में छत के पास से एकदम छू सकते हैं तोड़ सकते हैं, देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है ना, मज़ा आएगा। ये देखिए हम लोग के पेड़ में सबसे ज़्यादा ये हम लोग का पेड़ हो गया, इसमें से सबको ही तोड़ के हम लोग खाते हैं, यानी कि एक तरह से सरकारी टाइप से हो गया, मज़ा आता है इतना सारा, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना,
पेड़ पौधा को देखने में अपने में ही अलग खुशी मिलता है। फ्रीज उड़ी सब पर थोड़ा थोड़ा हाथ उठ मार देने से क्या करूँ, ठीक है ये सब मुझे तो मारती नहीं है ना। तो नहाना धोना मेरा हो गया है, पूजा पाठ हो गया, और ये देखिए घी अब हम धीरे धीरे जमा कर रहे हैं ताकि फिर से ये लोग जब आएंगे ना तो घी खाएंगे, तो इसे हम इसमें पलट दिए हैं घी। तो इस तरह से मस्त लग रहा है, अपने हाथ का कुछ भी बनाना निकालना घी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी सब्जी उब्जी बनेगा, देखते हैं क्या बन रहा है। देखिए अभी हम मखाना इस फ्राई करेंगे, काफ़ी टाइम से मखाना हम लाए थे मॉल से खरीद कर, लेकिन हम इसे रखे हुए थे अभी मॉल, ये क्या कहते हैं ना क्या है मखाना को, अभी हम फ्राई करेंगे। नहीं घी ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा बस उसी में से लेकर डाल लेती ना तो हो गया हो गया, ज़्यादा घी हम नहीं खाएंगे। हाँ हाँ उसमें हो जाएगा, थोड़ा नमक डाल के अच्छा से घी को ज़्यादा अच्छी करो, बोतल पोछ के नहीं देते हैं। ये देखिए हमारा आलू सोयाबीन का सब्जी बनकर रेडी हो गया है, मस्त वाला सब्जी है। और ये धनिया पत्ता का चटनी पीसने के लिए हम टमाटर को पका रहे हैं, जब पक जाएगा तो इसका हम चटनी बनाएंगे। तो आज हम लोग खाना पीना बना ही रहे थे, चटनी वगैरह पीस ही रहे थे कि आज मेरा भाई भाभी दोनों भतीजा भतीजी सब आ गया हुआ था, आप लोग को हम दिखा नहीं पाए क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा है ना आप में फेस नहीं लग रहा कि थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा पेट में गैस, जो कल से बनाना से ठीक ही नहीं हो रहा। भाभी आई थी बोले थे उन लोग को तो आके मेरा देह पूरा मौल उल दी है, बहुत अच्छी भी है। और आज आई थी बिरयानी बनाई थी तो वो थोड़ा ख़राब भी हो गया, हम गए नहीं थे देखने के लिए, तो भाई बोला भाई को बिरयानी खाना था दोपहर वाला, तो हम लोग तो रोटी और सब्जी ही बनाए थे आलू सोयाबीन का, तो बिरयानी भाभी बनाई तो उतना अथी नहीं हुआ, और मेरा गैस से मन एकदम ख़राब था तो हम बनाने नहीं गए थे, अभी भी उतना ठीक नहीं हुआ है। तो चलिए मेरा ब्लॉग यहीं तक रहेगा, आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, तो मिलते हैं आपसे हम एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।